12 वर्षीय मासूम बच्चे अंकित कुमार की टीचर की पिटाई के बाद हुई मौत, बच्चे का शव अस्पताल में हुआ बरामद। न्यू इंडिया इंदिरा गांधी आवास विद्यालय में पढ़ रहा था छात्र, जाने पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं मदद। मैं एंगरा पंचायत के एंगरा गांव में, जो दोभी प्रखंड के अंतर्गत आता है, और मैं उस गांव में हूँ और उस पीड़ित परिवार के घर हूँ, जो 12 तारीख को रात में पीट पीट कर हत्या कर दिया गया था एक टीचर के द्वारा, जो एक हॉस्टल में बच्चा ये रह करके पढ़ता था, जो न्यू इंदिरा गांधी रेजिस्ट्रेशन स्कूल है चलता था उसमें, और उसका एक ऐसा एक घिनौना हरकत किया वहाँ का जो टीचर, और उसी का परिजन उसके पास में आया हुआ हूँ और इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ और जानते हैं क्या हुआ था और उसके विषय में। आप जो है क्या नाम आपका? आप साइड नाम हुआ तो आप दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, क्या हुआ था? सर मारे थे। क्यों मारे थे सर? अच्छा, गलत करते हुए मैम के साथ में देख रहे थे आपका भाई, आइए इसीलिए उसको भाई को बीच में हटा दिया गया। फिर उसके बाद में क्या देखा? आपका नाम क्या हुआ और भाई के क्या नाम था? और जो टीचर जो मारे थे उनका क्या नाम था? प्रोफेसर मैडम। अच्छा मैडम का, देखिए छोटा सा बच्चा है और इनका जो भाई है करीब 12 वर्ष का थे, और अभी ये जो बताए कि न्यू इंदिरा गांधी कोई हॉस्टल है जो सरघाटी में है, और उस हॉस्टल में उस बच्चा पढ़ता था और उसका भाई ने देखा था जो इसे जिसको हत्या हुआ अंकित कुमार को, तो मैडम के साथ वो कुछ गलत करते हुए देखा था, जिसको जो वहाँ का जो टीचर है उसको सहा नहीं गया और बच्चा को ही अपने रास्ते से हटाने का कार्य किया। अब हम जानेंगे कि उनका परिजन लोगों से कि अभी तक जो है कि इसमें जो प्रशासनिक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, मैं उसमें उसके लिए मैं जानना चाहूँगा। अब क्या कौन हुए बच्चे का? बच्चा का मौसा। अब बच्चा का मौसा हुआ तो आपको कैसा पता चला कि मतलब हमारा बच्चा कोई तरह कैसा हुआ? सर सुबह 6:30 बजे फोन आया था इसका मम्मी के पास, रन्ना कुमारी कॉल की थी। रन्ना कुमारी कौन है? रन्ना कुमारी जो संचालक है स्कूल का मेन मालिक है, वही कॉल की थी कि सोनी जी साहब का बच्चा के तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में चला गया सर घाटी। तो ये जब वहाँ गई और मेरा बच्चा पुलिस को मार गया तो गेट बंद खड़े थे, प्रशासन लगे हुए थे, उसके बाद पूछे कि बताओ कि इसी मेरा बच्चा किधर है, तो तुम्हारा बच्चा मर इसी हालत में, तुम्हारा बच्चा मर। अब बुलाया कि तबीयत खराब है जाके देखे जी, जब वहाँ गेट पर जाके देखे तो बच्चा जी लगे खराब कहा है और वही रोने गाने लगी है। उसके बाद आप बच्चा को कहाँ देखे? स्कूल में देखिए जी? नहीं, हम अस्पताल में देखे, स्कूल में अपने अस्पताल में खड़ा हुआ। अभी तक प्रशासन की कर्मचारी कहाँ तक कहाँ पूछूंगा सर? सिर्फ मात्र रन्ना कुमारी को तो 13 तारीख से मनो हिरासत में थी और हो सकता है 14 के काम किए हैं DSP साहब, उनका जेल दिए हैं, ये नहीं जान सकते, लेकिन जानकारी है कि जेल हो गई है उनको, लेकिन हिरासत में उसी दिन से थी, उसी टाइम से। अभी तक के बारे में बताया जा रहा है रोशन कुमार, जो उस वक्त कोई आपका पता नहीं थाना परिवारिक से, तो हम जाकर नहीं पूछ रहे सर, लेकिन भीम आदमी के तरह से पूछ रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं। जब कोई संगठन भीम आदमी है जी, जी, जी। तो मतलब सौरभ कुमार के तरफ से पूछे और वहाँ जांच पड़ताल करवाए, तो अभी तक आपके तरफ से क्या हुआ? कुछ नहीं। आप क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं अभी तक, मैं कोई आश्वासन नहीं। अच्छा आप क्या होगा? क्या नाम होगा? मेरा नाम है क्या संतान मानता है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। DSP साहब बोले थे जब हम लोग 14 तारीख से गए थे तो बोले कि 24 घंटा के अंदर में उसका अरेस्ट कर लिया जाएगा, छानबीन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं सुनवाई हुआ है। अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि मतलब वहाँ का प्रभारी भी उसे नहीं,
और तो सर मेरा साथ होता है क्या बताऊँ जो जो इस दिन 13 तारीख को जब मेरा बोर्डिंग खाने की बात किए हैं डी एस पी साहब आन करके कहीं की बोर्डिंग ले जाइए आप उसको सहारा करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो उससे हम थोड़ा सा इजाज़त मांगे कि सर एक छोटा बच्चा भी वहाँ पढ़ रहा था इसका बक्सा वगैरह कपड़ा लाता है अब यहाँ से जब रिश्ता ख़त्म हो रहा है थोड़ा हम स्कूल देख लेंगे और कुछ लोग बच्चा से भी पूछ लेंगे तो वहाँ जब गए तो इंस्पेक्टर साहब राजकिशोर सिंह भी यहीं थे हॉस्पिटल में यहाँ से तुरंत ही चैंपियंस वहाँ पहुँच गए पहुँचने के बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो बोले कि क्या बात है गार्जियन को रहे सर हम हैं आप सुबह से देख रहे गार्जियन नहीं पहचान रहे हम जूते का हम लोग बेटर तो प्रेजिडेंट से इसलिए मिल रहा है सबसे पहले प्रेजेंटेशन पावना देने के लिए है और इनके परिवार को हिम्मत बन था और इसीलिए पासवान उत्पादन के सारे जो कुछ पदाधिकारी हम मिल रहे हैं और मृतक के परिजनों को प्रशासन की ओर से जैसा सुनने को मिल रहा है इसलिए एक आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन के अंदर में जो भी इस बच्चे के साथ गैर कानूनी काम करके हत्या किया उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें जल्द के अंदर लेकिन अभी तक जहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि केवल वंदना कुमारी मैडम है उनकी गिरफ्तारी हुई है जो मुख्य आरोपी जो रोशन कुमार जो शिक्षक है वो अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है इसलिए हम प्रशासन से जोर मांग करते हैं अपने संगठन के माध्यम से कि जितना शीघ्र जल्द हो सके उसको रोशन कुमार शिक्षक को गिरफ्तार करें वरना हम लोग उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे और हम लोग गया में माननीय SSP साहब के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। अंकित कुमार जो पीड़ित हैं जो जिसका हत्या हुआ है और उनके घर पे हैं और यहाँ पे एक मकान वाले का एक जिला नेता है और उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि सर कैसे आना हुआ है। हमने सोशल मीडिया के जरिए मैंने देखा और हमारे बहुत से साथी जो हैं खैनी दुकान है ओवर ब्रिज के नीचे रामदेव जी हैं उनके पास पहुँचे तो पता चला कि इस तरह घटना हो गया है। हम 3-4 दिन से बीमार थे मैं घर पर नहीं जा रहा था तो हमको लगा कि तुरंत जाना चाहिए और वहाँ से भी हम तुरंत यहाँ आए हैं। मैं ये सुन करके बहुत दुखित हूँ कि आखिर आए दिन दलितों को बच्चों के साथ इस तरह से अन्याय क्यों किया जाता है। मानसिकता है कि दलित के बाल बच्चा न पढ़े इसके रोकने की साजिश चल रही है और इसलिए यहाँ के पदाधिकारी भी कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। न अंचल अधिकारी आए हैं न वीडियो आए हैं देखने के लिए न यहाँ के थाना प्रभारी आए हैं। ये डोही प्रखंड की मामला है तो यहाँ के भी थाना प्रभारी को आना चाहिए था लेकिन नहीं आए। मैं इसे बहुत दुख हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा यहाँ के पूरे अंगरा गांव के लोगों को मैं मीटिंग करूँगा और यहाँ से प्रोटेस्ट मार्च मैं करूँगा। हो सकता है अनिश्चितकालीन मैं धरना दूंगा अगर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया और जो टीचर है जो सचमुच जो अपराधी है दोनों मिलकर के जी घटना को अंजाम दिया टीचर भी तक फरार है। एक बोतल दारू पकड़ने के लिए 12 चट्टी से थाना प्रभारी डोभी तक आकर घेर करके पकड़ लेता है लेकिन वह टीचर कहीं आसमान में नहीं चला गया है वहीं कहीं छिपा हुआ है उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार तक नहीं किया। ये एक पक्षी है उसको बचाने की साजिश चल रही है टीचर क्योंकि यह जो FIR किया गया है उसमें टीचर का नाम नहीं है सिर्फ स्कूल का नाम है। इसी बहाने से टीचर को बचाने की साजिश चल रही है इस 4 सीट में हो सकता है लोग फाइनल कर दे इसलिए कि इस टीचर का भी नाम आवे इसलिए एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है और बगैर आंदोलन के जरिए मैं नहीं समझता हूं कि टीचर का नाम आएगा उसको पूरा पैसा देकर के अपना नाम बचाने की साजिश चल रही है यही मेरा कहना है। शिक्षक और शिक्षिका मिल करके उस बच्चे को हत्या कर देते हैं और उस हत्या के बाद प्रशासन क्या कर रही है और अभी तक इस परिवार को कहाँ तक राहत मिला है इस जानकारी के लिए हम लोग आज मृतक के पिता से मिलने आए। मिलने के बाद जानकारी मिला कि खास करके सरघाटी का जो थाना में कार्यरत हैं थाना प्रभारी जो इंस्पेक्टर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा एक तरफा कार्य किया जा रहा है और जो मृतक हैं उनके परिजनों को भी कई तरह का धमकी दिया जा रहा है और दिया गया और यहाँ जानने के बाद हम लोग आज यहाँ से DSP साहब के पास मिलने जाएंगे कानूनी कार्रवाई हो गिरफ्तारी हो और मिल करके हम लोग डिसीजन बनाएंगे। अगर प्रशासन इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होकर के न्याय का गुहार में हम सभी परिवार को चाहते हैं। जय जोहार। जो इस तरह से जो प्रशासन होता है उस
सर वैसे लोगों के लिए आप क्या मांग करते हैं? देखिए, हम तो यही मांग करेंगे कि वैसे जो भ्रष्ट लोग हैं, जो हमारे प्रशासन के नाम पर भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं, उन लोगों को तत्काल सरकारी से हटा करके दूसरे जगह भेजा जाए और वैसे न्यायिक पदाधिकारी को यहाँ पर स्थापित किया जाए जो गरीब के साथ न्याय दिला सके।